Welcome to Divinely Guided 7777. This is my first video और मैं अपनी जर्नी आज इस फर्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट कर रही हूँ. टैरो कार्ड रीडिंग मेरा शौक था, मेरा पैशन था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी इंट्यूशंस, अपनी साइकिक पावर, उन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज़ करके पॉजिटिविटी स्प्रेड करूं और तमाम उन लोगों को जो बिलीव करते हैं कि एनर्जीज़ रिसीव होती हैं, एनर्जीज़ एक्सचेंज होती हैं, एनर्जीज़ के थ्रू हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, तमाम वो रिलेशनशिप जो कि एनर्जीज़ पे बेस्ड होते हैं या जिनके थ्रू हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे से फील कर सकते हैं, फील करके जो कुछ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन तमाम एक्सपीरियंसेस को देखते हुए मैंने अपनी इस जर्नी को ऑफिशियल किया है. और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में लेसन्स लिए हैं, मैंने जितनी भी पॉजिटिविटी के साथ अपने डिसीजंस लिए हैं, एक्सपीरियंसेस किए हैं, आज मैं वो उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ. टैरो कार्ड रीडिंग एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, लोगों को डायरेक्शंस दे सकते हैं, उनके डिसीजंस में उनकी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं. वो तमाम चीज़ें जिसमें लोग बहुत सारी सोचों, कुछ सोचें उनकी अपनी होती हैं, कुछ सोचें उनको क्लैश कर रही होती हैं, वो पॉजिटिव होने की कोशिश करने के बावजूद भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहे होते, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ सर्टन एनर्जीज जो उनके सराउंडिंग्स में होती हैं. कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत मोटिवेटेड होते हैं लेकिन उनको राहें नहीं मिल रही होती, उनको क्लोजर्स नहीं मिल रहे होते. कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस बनाते रहते हैं लेकिन फेलियर्स होते रहते हैं, लेकिन उनको कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसा गाइड करने वाला, ऐसा कोई मेंटोर नहीं मिलता, ऐसा कोई हीलर नहीं मिलता कि वो उनको सही डायरेक्शंस दे सके. टैरो कार्ड की रीडिंग्स के थ्रू मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ लव पे बेस्ड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ रोमांस पे बेस्ड नहीं करती, ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप बहुत सारे लोगों को हील कर सकते हैं, ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप बहुत सारे लोगों को लाइफ का पर्पस सिखा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को जो लो सेल्फ एस्टीम में जा चुके होते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं. इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने प्रोफेशन में रहते हुए, अपनी लाइफ में रहते हुए, एक बहुत डिप्राइव लाइफ को गुजारने के बाद जब मैं इतनी पॉजिटिव और साबित कदम रह सकती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने ही एक्सपीरियंसेस को टैरो कार्ड के ज़रिए जो है वो लोगों तक पहुँचाऊँ. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लोगों को हील करती थी, लोगों को गाइड करती थी, लोगों को डायरेक्शंस देती थी, और मैं तमाम वो चीज़ें कर रही होती थी जो कि एक प्रॉपर काउंसलर ने, हीलर ने और कह सकते हैं कि टैरो कार्ड रीडर ने करना होता है. लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आएँ, लोग आपसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और आप अपनी इंट्यूशंस पे उनको असेस करते हुए, उनको जज करते हुए, उनको एक ऐसा उनके साथ एक ऐसा उनको मशवरा दें जिससे उनकी लाइफ बेटर हो जाए, और फिर वो वापस आकर आपसे, आपके थैंकफुल हों, आपसे ग्रेटफुल हों, तो आई गेस इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई और नहीं होती. क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग रह गए हैं जो लोगों की सही मायनों में वाकई नेक नियति से जो है वो हेल्प करते हैं. हर कोई मशवरा देते हुए भी 10 दफ़ा सोचता है कि वो मैं इसको मशवरा दूं भी तो क्यों दूं, मैं इसको खाली मशवरा क्यों दूं, मुझे इसके रिटर्न में क्या मिलेगा. लेकिन इस दुनिया में अगर कुदरत ने या ऊपर वाले ने कुछ लोगों को ऐसी सलाहियत दी है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस के वजह से कुछ ऐसी गाइडेंस और ऐसी डायरेक्शंस किसी के लिए सेट कर दें, तो आई गेस ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. मैं अगर अपनी बात करूं तो जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं, एक मिथ क्रिएट किया गया है कि वो स्पेल कास्टिंग करते हैं या वो जादू टोना करते हैं या कोई एक्स वाई जी जितनी भी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने जो टैरो कार्ड रीडिंग में, उसके एक्सपीरियंस में, उसकी ट्रेनिंग में, उसकी स्टडी में जो कुछ भी मैंने एक्सप्लोर किया, वो डेफिनेटली उन तमाम इंट्यूशंस पे बेस्ड है जो ऑलरेडी हर एक नॉर्मल इंसान को आ रहे होते हैं. इट्स जस्ट अबाउट द मैटर ऑफ प्रोसेसिंग इट, हाउ यू प्रोसेस योर इन्फॉर्मेशन, हाउ यू लर्न एंड हाउ यू एक्सप्रेस द वे व्हाट यू फील, व्हाट यू परसीव, व्हाट यू पिक. बहुत दफ़ा इसकी बहुत सी मामूली सी एग्जांपल मैं ऐसे दूं कि हम
बाज़ दफ़ा किसी रूम में एंटर होते हैं और उस रूम में या किसी भी जगह पे एंटर होते ही हमको वहाँ की एनर्जी, वहाँ का माहौल बाज़ दफ़ा अट्रैक्ट भी करता है, बाज़ दफ़ा डिस्ट्रैक्ट भी करता है, और बाज़ दफ़ा आपको महसूस होता है कि आप इस जगह के लिए हैं नहीं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ उन मौजूदा लोगों की एनर्जी ही होती है। कभी कभी आप देखें, हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, तो उसके इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते वक्त जो एक उसकी एनर्जी होती है, उस पर फ्रस्ट्रेशन भी आ रही होती है, उसमें एक टारगेट भी आ रहा होता है, उसमें कुछ अचीवमेंट की फील भी आ रही होती है, और एक पर्टिकुलर गोल होता है, और वो गोल ये होता है सक्सेस, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना। इसी तरीके से हर इंसान की ज़िंदगी है। अगर इंसान की ज़िंदगी में उसके गोल सेट हैं, उसके ऑब्जेक्टिव सेट हैं, तो सिर्फ उसमें उनको अचीव करते वक्त जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे गो थ्रू होना, उनके उसको गो थ्रू होते वक्त जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे गुजरना, हिम्मत ना हारना, ये तमाम वो ज़रूरी सपोर्ट होती है जो आपको हर जर्नी में मिलती है। बहुत सारे फेलियर्स को इंसान जो है वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ जहाँ पर उसको उस जगह पे जब फेलियर मिलता है तो वो वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाता, और टूटता भी है, दुख भी होता है, लॉस्ट भी फील करता है। मूव ऑन करते वक्त 10 दफ़ा रुकावटें फील हो रही होती हैं, बार बार याद आ रही होती है। तो इस दौरान आप को कोई क्या गाइड करे? यहाँ पर लोग जो होते हैं वो रिलेशनशिप को भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते, इसी वजह से टैरो कार्ड की तरफ लोग जाते हैं कि उनको पता तो चले, उनको क्लोजर तो मिले कि उनकी लव लाइफ में आखिरकार हो क्या रहा है। इसी लिहाज से मैंने ये अपनी जर्नी को एक मेरी अपनी खुद की एक ज़ाती एक स्पिरिचुअल जर्नी जो थी वो जब गुजरी, और मैंने खुद उसमें जब अपने आप को एक्सपीरियंस किया कि ये तो एक अवेकनिंग ऐसी है कि अगर आपके ऊपर ये अवेकनिंग हो जाए तो फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप इसको चैनलाइज कैसे करें, आप इसको संभालें किस तरीके से, आप इसको इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि अवेकनिंग तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आपको ऊपर वाले की तरफ से एक अता है, आप अपने लिए भी, कि आपको वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल जाती हैं, आपको वक्त से पहले बहुत सारे फैसलों के इंडिकेशंस मिलने लगते हैं, आपको हर तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो मालूम होने लगती हैं, और ये बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन जब आपके ऊपर ये चीज़ जाहिर हो गई कि आप ऐसी सलाहियत रखते हैं, तो फिर आपके ऊपर अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी भी बन जाती है कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। मेरा मकसद टैरो कार्ड रीडिंग के अपने चैनल को ऑफिशियल करना, मैं वैसे भी इस प्रोफेशन में, या आप समझ लीजिए कि मैं इस फील्ड में बहुत अरसे से हूँ, लोग मेरे पास बहुत मशवरे के लिए आते थे, बहुत अपनी इंक्वायरीज़ के लिए आते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आते थे, और मैं उन क्वेश्चंस को, उन बातों को बिल्कुल इस तरह से सुनती थी कि जैसे ये मेरे ही मसले हैं। और जब आप किसी के भी मसले को अपने से रिलेट करते हैं, आई थिंक एम्पैथी यही होती है। एम्पैथी में आप, जब आप एम्पैथ होते हैं तो आप शायद उनके शूज़ में जाकर उनके मसले को फ़ील कर सकते हैं, और फिर जब इंसान के ऊपर, अपने ऊपर पड़ती है तो ही वो हर प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की तरफ जाता है। मेरे पास मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स, हर तरह के हर तरह के लोग मेरे पास आते थे, और वो तकरीबन अपना मसला ही मुझे बताते थे, जो कि मैं बहुत कम एज में, बहुत यंग एज में होते हुए भी मैं उनको राइट एडवाइस कर पाती थी। हो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होती गई, बढ़ती गई, मेरी खुद की भी एक चार चैलेंजिंग लाइफ रही है, एंड आई थिंक यही एक आउटकम होता है कि ऊपर वाला आपको इसका सिला देता है। बाज़ लोगों को फाइनेंशियल अबंडेंस होती है, बाज़ लोगों को मटीरियलिस्टिक अबंडेंस होती है, कुछ लोगों को स्पिरिचुअल अबंडेंस होती है। ब्लेसिंग होना, आपके अंदर एक स्किल होना, उस स्किल का फ़ायदा ये है, या उस स्किल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप उससे दूसरों को मुस्तफ़ीद करें, दूसरों को उसका बेनिफिट दें। तो किसी की भी डायरेक्शन, किसी की भी लाइफ की डायरेक्शन, कोई कंफ्यूजन अगर मेरी सलाह से, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग के टूल के थ्रू अगर बेहतर हो जाएगी, तो आई गेस वो मेरी अचीवमेंट होगी। ज़्यादातर हमारे माशरे में जो है, हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में,
टैरो कार्ड रीडिंग को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, बिकॉज आई बिलीव इट्स नॉट एट ऑल स्पेल कास्टिंग, इट्स नॉट अबाउट फ्यू फॉर्च्यून टेलिंग और फ्यूचर टेलिंग, इट्स ऑल अबाउट सेटिंग द राइट डायरेक्शन टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वक्त ये जो फर्स्ट वीडियो जो मैं अपनी ऑफिशियल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए लॉन्च कर रही हूँ, यूट्यूब पे अपना चैनल आज मैं लॉन्च कर रही हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आएँ, आज की मेरी फ़र्स्ट रीडिंग में जो मेरा मैसेज है अगर वो पसंद आए, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्प्रेड करें पॉजिटिविटी, बिकॉज़ हमारे यहाँ सोसाइटी में नेगेटिविटी देने के लिए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए आपको बहुत फाइट करनी पड़ती है। और अगर आपके अतराफ़ में कोई भी ना हो जो आपको पॉजिटिविटी दे सके, तो ख़ुद से पॉजिटिविटी क्रिएट करना, उसको सस्टेन करना और उसको आगे लेकर चलना बहुत करेज की और बहुत गट्स की बात होती है। तो मेरी आप लोगों से, तमाम व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों की सपोर्ट की बहुत मुंतज़िर रहूँगी। मैं हर तरह की रीडिंग्स लाने की कोशिश करूँगी, मैं हर वो रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सके। डेफिनेटली यहाँ पर लव रीडिंग्स भी होंगी, रिलेशनशिप्स पर भी रीडिंग होंगी, एक्स लवर्स पे भी रीडिंग होगी, फ्यूचर लवर्स के लिए भी रीडिंग होगी, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए गाइडेंस पे भी रीडिंग होगी, नो कांटेक्ट और लेस टू नो कांटेक्ट रीडिंग्स भी होंगी, करियर्स पे भी रीडिंग होगी, जोडियक साइंस पे भी रीडिंग होगी। आई विल बी कमिंग अप विद लॉट ऑफ थिंग्स टू एंटरटेन यू एंड टू सेट डायरेक्शंस फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल। मैं आप लोगों के से भी बहुत कुछ सीखूंगी। बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स हैं जिनको मैं फॉलो भी करती हूं, एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर वर्क। मैं हर उस टैरो कार्ड रीडर को जो के लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, मैं उनको अपना मेंटोर समझती हूं, एंड आई फील कि अगर मैं भी इसमें एक छोटा सा रोल प्ले कर सकूँ तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से भी होगा। Thank you so much for watching this video. Do subscribe the channel, hit the like button and share the video as well. Good luck.